दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज की नई वीडियो थोड़ी सी स्पेशल रहेगी आप दोनों के लिए, क्योंकि ये वीडियो सेम टू सेम सेम टाइम फेसबुक पे लाइव भी चल रही है और हमारे यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड हो रही है। जो मेरी फेसबुक ऑडियंस है उसने तो साथ के साथ देख लिया कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो यूट्यूब ऑडियंस है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो बाइकों को एक साथ कंपेयर करके कि कौन कौन सी बाइकों के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ नहीं है, कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए और कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। BS6 के अंदर भी अब फेज टू आ गई है, मतलब BS फेज टू आ गई है BX6 के अंदर, और BS4 का तो जी कहने ही क्या है, लोगों ने इतनी हाइप बना दी है BS4 के अंदर। कोई भी कस्टमर आता है मिस्त्री उसको सीधा ये बोलते हैं कि BS4 ले लेना, क्योंकि BS4 के अंदर कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर के अंदर काम करना ईजी रहता है। एक बार फेसबुक फैमिली कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको भी ये मिथ है कि कार्बोरेटर वाली बाइक अच्छी होती है या फिर सेंसर वाली बाइक अच्छी होती है, दोनों में से एक बार कंपेयर करके मेरे को बताओ कि कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास है राइट नाउ 2022 मॉडल हीरो की ग्लैमर बाइक। ग्लैमर बाइक है, बिल्कुल मिंट कंडीशन के अंदर है। ये बाइक मैं किसको प्रेफरेंस करूंगा कि किन बंदों को ये बाइक लेनी चाहिए, तो दोस्तों ये बाइक केवल उन लोगों को लेनी चाहिए जिनकी रनिंग ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये है कि उनको 100 किलोमीटर दिन का चलना पड़ता है, उनके लिए बेस्ट बाइक है, क्योंकि कई बार है ना एवरेज से ज्यादा कंफर्टेबल चीज महसूस करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाइक अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा चलाने में। और स्प्लेंडर और डिलक्स की तो खूबी क्या है, अगर आप इसको 70-80 की स्पीड के अंदर चलाते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होती है चलाते वक्त, डर गर की आवाज ऐसी आती है आवाजें, जब हम एक्सीलेटर को थ्रोट देते हैं तो आपको महसूस होगा कि ऐसी आवाज आ रही है। अब बारी आती है एक कॉम्पैक्ट बाइक जिसके लिए लोग कहते हैं कि एवरेज हमें चाहिए अच्छी और बजट भी ठीक ठाक सा हो। वैसे ना लोगों ने मिथ बना रखा है कि ये बाइकें महंगी आती हैं, पुरानी ये बाइकें बहुत सस्ती आती हैं। जहाँ पे नई बाइक की कीमत अगर इसकी 100 रुपये है तो आपको पुरानी बाइक की 60 रुपये में मिल जाएगी। पुरानी मीन्स 2022-23-24 मॉडल भी मिल जाती है इस प्राइस के अंदर। एक बार अडिडास मोटर्स पर आकर किसी भी बाइक का रेट कन्फर्म करना है तो आप आके कन्फर्म कर सकते हो। बारी आती है अब HF डिलक्स की। HF डिलक्स मेरे पास 2023 मॉडल राइट नाउ अवेलेबल है। 23 मॉडल के अंदर आपको क्या क्या खूबियां मिलती हैं, एक तो पहली बात जो हमारे पास व्हीकल खड़ा हुआ है वो केवल 13,000 किलोमीटर रनिंग है, सिर्फ 13,000 किलोमीटर चला हुआ है, ज्यादा नहीं चला हुआ है। हमारी खूबी क्या है, हम मीटर को कभी भी बैक नहीं करते, मीटर जेन्युइन आपको उतना ही चला मिलेगा जितना चली हुई है, उसके अलावा आपको बैक मीटर नहीं मिलेगा। कई बार ना हमारे पास आपको 50,000 किलोमीटर चली हुई बाइकें भी मिलेंगी लेकिन मीटर बैक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम करते नहीं है, क्योंकि टायर के एक्यूरेट पोजीशन से पता चल जाता है कि मीटर बैक है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है लेकिन कुछ नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता। बाकी अगर आपकी थोड़ी रनिंग है, थोड़ी रनिंग 50-60 किलोमीटर की रनिंग है और चाहते हो कि आप मेरे को एवरेज ज़्यादा मिल जाए तो आपको डिलक्स लेनी चाहिए, और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको हीरो की ग्लैमर बाइक लेनी चाहिए। अगर आप हीरो की बाइक लेना चाहते हो तो, क्योंकि एक कंपेरिजन सिर्फ हीरो की बाइकों के अंदर दिखा रहे हैं हम, इसके अंदर अगर आप कहोगे कि ग्लैमर को आप पल्सर से कंपेयर करके दिखाइए तो उसके लिए भी कंपेयर करके दिखाएंगे। एक बार उस पर जाके हमें कमेंट कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, जिस बाइक का आप कंपैरिजन चाहते हो उसके लिए हम आपको कंपेयर कर देंगे।